सो एप्लीकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। हमने ऑलरेडी कैली हैमिल्टन थ्योरम का डेफिनेशन और प्रूफ कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर ए इक्वल्स टू 100, 121, 232 एंड देन वी हैव टू डिड्यूस ए इनवर्स। ओके सो सॉल्यूशन, वी हैव ए इक्वल्स टू 100, 121, 232, जो कि एक 3×3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके दे आर फोर दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज साई ए ऑफ एक्स। दिस इंप्लाय साई ए ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू आई थ्री आइडेंटिटी दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाय सो 1 माइनस एक्स 0 0, 1 2 माइनस एक्स 1 एंड 2 3 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। डायगोनल पे जो जो एलिमेंट्स है उनमें से एक्स माइनस होगा। ओके दिस इंप्लाय 1 माइनस एक्स इन टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 × 1 सो 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाय 1 माइनस एक्स इन टू 4 + x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 4x² माइनस x इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाय माइनस x³ प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके x³ प्लस 5x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर x के जगह पर a को रिप्लेस करके उसका वैल्यू 0 दिखाना होगा। ओके सो दे आर फोर a³ माइनस 5a² प्लस 5a माइनस i³ इक्वल्स टू 0, ये हमें शो करना होगा। वी हैव टू सो दैट ओके नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 100, 121, 232 इंटू 100, 121, 232। दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। सो 100, 5, 7, 4, 9, 12, 7। Therefore, 5² equals to 500, 25, 35, 20, 45, 60, 35, and also aq equals to a² into a that is equals to 100, 5, 7, 4, and 9, 12, 7 into 100, 121, 232 that is equals to 100, 20, 26, 15, 35, 45, 26। आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो आता ही होगा। नाउ ए क्यू माइनस 5a² प्लस 5a माइनस i³ दैट इज इक्वल्स टू ए क्यू का वैल्यू है 100, 20, 26, 15, 35, 45, 26 माइनस 5 × a² दैट इज 500,
35 प्लस 5 इंटू ए दैट इज 5005 10 5 एंड 10 15 10 प्लस सॉरी माइनस माइनस i3 दैट इज 100 010 एंड 001 दैट इज इक्वल्स टू आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 000000 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो हमने दिखा दिया ए क्यू माइनस 5a² प्लस 5a माइनस i3 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर द कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, क्योंकि यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ए जो है दैट इज रूट ऑफ द इक्वेशन. सो द कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड. नाउ द सेकेंड पार्ट, हेयर वी हैव टू डिड्यूस ए इनवर्स. ओके, सो हेयर वी प्रूव दैट ए क्यू माइनस 5a² प्लस 5a माइनस i3 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाई ए क्यू माइनस 5a² प्लस 5a इक्वल्स टू i3, और इसे हम लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी दैट इज इक्वल्स टू i3. हम 5 को 5 इंटू i3 भी लिख सकते हैं. ओके, दैट इज इक्वल्स टू i3. देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 इंटू i3. ओके, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का वैल्यू है 100574912 7 माइनस 5 इंटू ए इज 500510 5 एंड 10 15 10 एंड 5 इंटू i3 इज 500050 एंड 005 दैट इज इक्वल्स टू 100002 -1 एंड -1 -3 2. देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू 100002 -1 -1 -3 2.